अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश में व्यापम में हुई हत्याएं, भोपाल जेल से भागे 8 सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर के अलावा गुजरात में तिस्ता सीतलवाड़ पर FIR का जिक्र है और ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया 2016 नाम से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भोपाल में सिमी एनकाउंटर पॉलिटिकली मोटिवेटेड किलिंग्स बताया गया, जबकि व्यापम घोटाले को करप्शन और गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी के तौर पर दर्शाया गया है। तेस्ता सीतलवाड़ मामले में भी गुजरात सरकार के रवैये पर शक जताया गया है और अमेरिकी रिपोर्ट के आने से विरोधी दलों को BJP पर निशाना साधने का मौका मिल सकता है।